नमस्कार। आज की हमारी कविता है हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। आज इन दोनों कविताओं का सारांश साथ में इनकी व्याख्या आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले है हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। यहाँ पर जो पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कवित्री हैं वो कर्नाटक की प्रसिद्ध कवयित्री अक्का महादेवी हैं और इन्होंने 12 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए बिना वस्त्रों के भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए ये कर्नाटक में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इन्होंने सांसारिकता का त्याग करके सभी को शिव जी की आराधना में लीन रहने का संदेश इस कविता में दिया है। वह अपनी भूख को, भूख यानी उसे सांसारिक वस्तुओं की चाह जो है उसे संबोधित करके कह रही है कि आप जो संसार में वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, हे भूख मत मचल, यानी तू उसे पाने के लिए मत तड़प, मत कोशिश कर। हे सांसारिक प्यास, यानी सांसारिक वस्तुओं की इच्छा तू मन में और पाने की तृष्णा या प्यास मत जगा। हे नींद, तू सोने के लिए मजबूर ना कर। हे क्रोध, तू मन में उथल और पुथल मत मचा। अब ये चारों चीज़ों को संबोधित करके कह रही है जो उसे संसार से जोड़े हुए हैं, संसार में जकड़े हुए हैं, लेकिन उसे शिव जी से दूर करते जा रहे हैं। फिर वह अपने मोह को बोलती है कि हे मोह, पाश अपने ढील, अपने जो तुमने पाश बना रखे हैं, जकड़न बना रखी है, उसे ढीला कर दो। हे लोभ मत ललचा, कि लोभ मुझे मत ललचा। हे मद, मुझे तू और पागल मत कर, मत कर मदहोश, यानी मुझे मदहोश मत कर, नशे में पागल मत कर। ईर्ष्या जला मत, ईर्ष्या तू मुझे जो और लोग उन्नति कर रहे हैं उससे जला मत। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। चराचर का मतलब है यहाँ जड़ और चेतन संसार। जड़ और चेतन संसार क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं जड़ हैं, जो हिलती नहीं हैं, सजीव नहीं हैं, निर्जीव हैं, और कुछ सजीव चेतन संसार यानी जो लोग रहते हैं वो, उन्हें संबोधित करके यह कह रही है कि आपके सामने भगवान की आराधना का अवसर है और इसे आप चूको मत। मैं आप सबके लिए चन्न मल्लिकार्जुन यानी शिव जी का संदेश लेकर के आई हूँ, भक्ति का संदेश लेकर के आई हूँ, इसलिए संसारिकता की सारी बातें जो उसने बोली हैं, यानी कि भूख है, प्यास है, नींद है, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या आदि सारे संसार के जो बंधन हैं, इन्हें छोड़ करके सब आप अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यहाँ पर आप देखेंगे कि कवयित्री शिव की आराधना के लिए संसार का पूरा त्याग चाहती है और लोगों से भी चाहती है और खुद भी कर चुकी हैं। लोगों को क्या इरादे रही हैं कि शिव जी की आराधना करो। वह लोगों को 6 प्रकार के शत्रु बताए हैं। 6 शत्रु कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या। ये सारे मनुष्य के शत्रु हैं और वह इन सब से मनुष्य को दूर रहने की सलाह देती है, राय देती है। अवसर उसे मिला है, वह ये कहती है। ये सब चीज़ें जो हैं, भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि मानवीय पात्रों के समान इन्हें बनाया गया है, इनका मानवीकरण किया है कविता में। इसलिए क्या है यहाँ पर, मानवीकरण अलंकार है। देखिए, आप जब हिंदी का एग्जाम देते हैं तो आपकी साधारण भाषा समझने तक तो काम आएगी, लेकिन लिखने में
आप बिल्कुल प्योर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंक जो हैं, मार्क्स जो हैं, वो बढ़ेंगे। संबोधन शैली है, देखिए एक खास बात है इस कविता की कि इसमें संबोधन शैली का प्रयोग किया है। संबोधन शैली क्या है ये समझने की चीज़ है। यहाँ शुरू में आप देखेंगे कि हे भूख, यानी भूख को संबोधन किया है, प्यास को भी संबोधित किया है, नींद को, जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं हे राम, अरे राम, वैसे ही यहाँ पर भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद और ईर्ष्या सभी को संबोधित किया है, पुकारा है और उन्हें सलाह भी दी है, यानी उनका मानवीकरण कर दिया। ये चीज़ें मानव तो है नहीं, भूख कोई इंसान नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर कवयित्री ने इनका मानवीकरण किया है। कैसे किया है, उन्हें पुकार के, संबोधित करके, तो इसलिए शैली कौन सी है, संबोधन की शैली है, जो अत्यंत ही सजीव जो है, उसने सजीव वर्णन किया है भूख, प्यास, नींद का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, जिन सब के पाश में, यानी कि इनके बंधन में, इनकी जकड़न में मनुष्य जकड़ा हुआ है। कवित्री भूख, प्यास, क्रोध, मोह आदि से क्या प्रार्थना करती है, आप देखेंगे कि वह क्या प्रार्थना कर रही है कि वे उसे सांसारिक कष्ट ना दे और उसे इन सब दैहिक और मानसिक विकारों से दूर रखें। ये सब क्या हैं, हमारे शरीर के और हमारे मन के विकार हैं। भूख किसका विकार है, भूख कहाँ लगती है, पेट में, तो शरीर से संबंधित है। प्यास भी, क्रोध कहाँ आता है, मन में आता है। मोह कहाँ आता है, मन में आता है। मन में आता है यानी कैसा विकार है, मानसिक विकार है। तो वे कहती है कि ये विकार हमसे दूर रहे, और वह क्या चाहती है, संसारी कष्ट और प्रपंच जो हैं उनसे दूर रहकर प्रभु की शरण में लीन हो जाए, क्योंकि वह जानती है कि ये जो 6 शत्रु हैं उसे हमेशा प्रभु से दूर रखेंगे, और यदि ये शत्रु से अलग हो जाते हैं तो वह निश्चित रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगी, यानी चन्न मल्लिकार्जुन यानी शिव जी जो हैं उनके प्रति वह अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देगी। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अब वो ईश्वर को बोल रही हैं, ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे ईश्वर, तुम बिल्कुल कोमल हो और जूही के फूल के समान हो, उतने ही तुम सुंदर भी हो, मंगवाओ मुझसे भीख, आप मुझसे भीख मंगवा लो और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, कोई ऐसा मेरे साथ घटना घटित करो जिससे मुझे अपना घर याद नहीं आए, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कि मैं भीख भी मांगूं तो मुझे कोई भीख ना दे, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, जब मुझे कोई दया करके कुछ देना भी चाहे तो उसका वह दिया हुआ सामान नीचे गिर जाए और गिर भी गया तो मैं उसे उठाने के लिए भी ना झुकूं, और झुक भी जाऊं तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। देखिए कवयित्री जो है क्या कह रही है कि मैं किसी के सामने अपनी झोली फैलाऊं तो मुझे भीख भी ना मिले, हे ईश्वर कुछ ऐसा कर दो कि मैं अपनी घर गृहस्थी मकान सबको भूल जाऊं, और कुछ ऐसा कर दो कि जिससे मुझे भीख मांगनी पड़े, भीख मांगने के बाद कुछ ऐसा करो कि जब मैं अपनी झोली फैलाऊं तो मुझे कोई भीख भी ना दे, और अगर कोई भीख दे भी दे तो भी वह झोली से नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए और उसे उठाने के लिए भी झुकूं तो कोई कुत्ता आ जाए और कुत्ता उसे झपट करके ले जाए। लाचारी की प्रकाष्ठा वह चाहती है, क्यों चाहती है यहाँ पर कवयित्री ऐसा करना, क्योंकि वह चाहती है कि मेरा मैं जो है, मेरे भीतर जो अहम है,
अहम की भावना है। अपने प्रति जो मेरी भावना है वह बिल्कुल गल जाए, गलकर नष्ट हो जाए, तभी मेरे साथ क्या होगा, मैं भगवान को याद कर सकूंगी, अन्यथा मैं भगवान को याद नहीं कर सकूंगी। भूखे भजन ना होए गोपाला, यहाँ पर वह उक्ति जो है कवित्री उसे झूठ बता रही है। वो कह रही है कि मैं भूखी रहूंगी तो मैं ईश्वर के ज़्यादा निकट जाऊंगी। यानी ईश्वर को क्या कह रही है कि हे मेरे ईश्वर, मुझे ऐसा बना दो कि मुझे भीख भी ना मिले, मिल भी जाए तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आए और अंततः मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, मैं बिल्कुल लाचार हो जाऊं, भूख से मैं बिल्कुल मेरी अंतिम सीमा आ जाए भूख की, और तब मैं अपने आप को आपको समर्पित कर दूं। यहाँ पर कवित्री संसारिक पदार्थ जो हैं, भौतिक मोह माया के बंधन जो हैं, वो ईश्वर से भटकाने का मार्ग है। ये कह रही हैं कि उसका ईश्वर से दूर होने का मुख्य कारण ये सब चीज़ें हैं, इसलिए वह चाहती है कि ईश्वर उसे बिल्कुल लाचार बना दे, इतना लाचार बना दे कि उसे बस ईश्वर ही याद आए और वह उसके प्रति समर्पित हो जाए। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार यहाँ पर ईश्वर की जो तुलना की है जूही के फूल से। उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना की जाती है किसी की किसी के साथ, तो ईश्वर की तुलना किसके साथ की गई है, जूही के फूल से। भीख ना मिलने, झोली फैलाने और भीख नीचे गिर जाने, नीचे झुकने और कुत्ते के द्वारा झपट लिए जाने, इन सब में बिंब होता है, एक आपके सामने पिक्चर बन जाती है, जो वर्णन किया है उसका बिंब आपके सामने बन जाता है, छवि बन जाती है, पिक्चर बन जाती है। इसका बिंब बहुत प्रभावी बना है। अगर आप अपनी व्याख्या में बिंब का वर्णन करते हैं तो बहुत ही सुंदर व्याख्या बनेगी। अपना घर यहाँ अहम या मैं का प्रतीक है। अपना घर किस लिए है कि भूल जाऊँ अपना घर पूरी तरह। अपना घर यानी मैं अपने आप के भीतर जो मेरे अहंकार की भावना है उसे मैं भूल जाऊँ। और इस प्रकार से वह अनेक प्रकार के कष्ट उठाना चाहती है जिससे उसका सांसारिक मोह माया भंग हो जाए और अंततः उसे ईश्वर की शरण में जाना ही पड़े। अपना घर भूलने का आशय है घर गृहस्थी के सांसारिक झंझटों से मुक्ति और संसार को सच मानने का जो भ्रम है उससे वह दूरी प्राप्त करना चाहती है। वह कहती है कि जो इंद्रियों की भूख प्यासा वही लक्ष्य प्राप्ति में बाधा अटकाती है। लक्ष्य उसका क्या है, ईश्वर तक जाना। तो ईश्वर के मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो इंद्रियां हैं वह शत्रु हैं और ये साधक को संसार में उलझा कर रखती हैं, प्रभु की ओर बढ़ने नहीं देती हैं। तो यदि जब किसी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो ये संसार के जो 6 शत्रु हैं उनसे दूर रहना होगा, तभी वह इस संसार से बाहर आकर के ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के लिए यहाँ पर जूही के फूल का दृष्टांत दिया है। दोनों में बहुत कुछ समानताएं हैं। जूही का फूल कोमल होता है, सुगंधित होता है और प्रसन्नता देता है। उसी प्रकार ईश्वर भी दयालु है, पवित्र है और आनंदमय है। अपना घर से यहाँ दो मतलब हैं। देखिए, एक स्वार्थमय संसार, दूसरा निजी जीवन, व्यक्तिगत सुख दुख लाभ हानि। कवित्री चाहती है कि सभी बंधन छूट जाएं, तभी वह ईश्वर की ओर बढ़ेगी और ईश्वर के घर की तरफ कदम रखेगी जब उसका अपना घर नहीं होगा। यानी उसमें अहम की जो भावना है कि मैं जो यह एकत्रित कर लूँ, मैं संसार की ये वस्तु कमा लूँ, ये खा लूँ, तो ये सब चीज़ों से वह दूर रहना चाहती है। इसी प्रकार से पेट भरने के लिए वह भीख मांगे, भीख भी मांगे तो उसे मिल भी जाए तो वह बिखर जाए, बिखर भी जाए तो उसे कुत्ता ले जाए, तो यहाँ उसका अहम नष्ट हो जाएगा। यानी उसकी मैं की जो भावना है वह नष्ट हो जाएगी। कवित्री जो है उसकी दो कविताओं के आधार पर हम ये बात बोल सकते हैं कि कवित्री जो है मीरा के समान है।
यहाँ पर मीराबाई की और इसकी तुलना हम कर सकते हैं। दोनों के भाव मिलते जुलते हैं। मीरा भी कृष्ण की दीवानी थी और अक्का महादेवी भगवान शिव की दीवानी थी। वह पूर्ण रूप से समर्पिता थी और अक्का महादेवी शिव की भक्त हैं, यहाँ देखने में आ रहा है। और सांसारिकता को उसी तरह से छोड़ना चाहती हैं जिस प्रकार से मीरा ने छोड़ा था, और वे ईश्वर के सम्मुख पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना चाहती हैं। कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, यानी सुख में करें न कोई। उसी भावना पर यह कविता लिखती हैं कि यदि मैं दुखी रहूँगी तो मैं आपका सुमिरन करती रहूँगी, यदि मुझे सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे तो मैं संसार में खो जाऊँगी और ईश्वर आपको याद नहीं रख पाऊँगी। इसलिए वह स्वयं को अभाव में और दुख में रखना चाहती हैं। ईश्वर से वह कह जाती हैं कि वह दुखी रहे और अभाव में रहे ताकि हर पल ईश्वर की याद उसे आती रहे, और वह अपने प्रभु से प्रार्थना करने को विवश हो जाए और अंततः उसे अपना जो वास्तविक घर है, यानी जो ईश्वर का घर है, उसका अपना घर हो और वह ईश्वर से मिल जाए। इस प्रकार से दोनों कविताओं में वह 6 शत्रुओं से जो मनुष्य को संसारी बनाते हैं, संसार के मोह और लोभ उसे लुभाते हैं, उनसे दूर रहने की प्रेरणा देती हैं। और इसी कारण से वह कहती है कि हमारा जन्मदाता प्रभु जो है वह हमसे दूर हो जाता है और इस कारण वह सांसारिक विकारों को दूतकारता है। इस प्रकार से वह ईश्वर से प्रार्थना करती है।